अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई एम योर टीचर मिस सिमरा फ्रॉम लीड स्कूल सिस्टम फॉर्मानेट कैंपस लाहौर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मंथ्स ऑफ द ईयर। ठीक है, हमने जो एक्सरसाइज है मंथ्स ऑफ द ईयर की वो कंप्लीट करनी है। पेज नंबर है हमारा 40, इंग्लिश की पेज वर्कबुक का पेज नंबर है 40, और उसमें हम चूज करके राइट करेंगे अपने क्वेश्चंस के आंसर्स को। ठीक है, हमारे पास जैसे आप बुक में देखेंगे पेज नंबर 40 के टॉप पर वर्ड बैंक दिए हुए मंथ्स ऑफ द ईयर। ठीक है, हमने उसमें से नीचे क्वेश्चन पूछे हुए हैं और उसमें से चूज करके हमने राइट करना है इन लाइंस में। ओके, तो सबसे पहले हमसे पूछा जा रहा है विच मंथ कम आफ्टर जून, जून के बाद कौन सा महीना आता है। तो आपको जैसे स्पेलिंग याद है मैंने करवाए हुए, तो आप यहां लिख देंगे जुलाई, बस वन वर्ड आंसर देना है आपने। ठीक है, वन वर्ड आंसर देके यहां पर स्टॉप लगा देंगे, फुल सेंटेंस राइट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हमसे सेकंड क्वेश्चन पूछा जा रहा है विच मंथ कम बिफोर नवंबर, नवंबर से पहले कौन सा महीना आता है। तो आपके जहन में यहां से आपको ये देखें स्पेलिंग्स भी आपको दिए हुए, हेल्प दी हुई आपको यहां पर, तो आप यहां से अक्टूबर को चूज करेंगे और यहां लिख डालेंगे अक्टूबर। BER OCTOBER अक्टूबर, अक्टूबर राइट। थर्ड जो है हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है विच कम बिटवीन अप्रैल एंड जून, जून अप्रैल और जून के दरमियान में कौन सा मंथ आता है। तो आप यहां से चूज करेंगे, आप देखेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून, आप यहां देखेंगे मई आ रहा है, तो आप यहां पर मई राइट कर देंगे। एम हमने ऐसे राइट करना है MMAY, बहुत शॉर्ट स्पेलिंग के साथ है, मे राइट करते हैं हम MAY मे। फोर्थ क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है विच इज द सेकेंड मंथ। आप यहां से देखेंगे कि फर्स्ट मंथ तो है जनवरी, तो सेकेंड मंथ क्या हुआ फरवरी, तो आप राइट कर देंगे यहां पर फरवरी, FEBRUARY। फरवरी, गॉट इट। फिफ्थ क्वेश्चन है हमसे पूछा जा रहा विच इज द लास्ट मंथ, लास्ट मंथ कौन सा है, 12th मंथ कौन सा है। तो 12th मंथ हमें याद है दिसंबर है। ठीक है, हम यहां पर राइट कर देंगे DECEMBER। December। Hope you understand. Thank you so much and Allah Hafiz।